नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लखनऊ में आए थे दिवाली के लिए, और अब हम देहरादून के लिए निकल पड़े हैं लखनऊ से। और सुबह सुबह का टाइम है, देखिए रास्ते में अभी तो सड़क थोड़ी। तो अभी दोस्तों 9 बज रहा है, हम लोग जो है बरेली रुकेंगे आज बेटी के पास, मिलते हुए जाएंगे उससे, कल सुबह फिर निकलेंगे। इस बार हम रामगढ़ नहीं जा रहे हैं क्योंकि कुछ काम पड़ गया हम लोगों को, तो अब हम लोग देहरादून जाएंगे, फिर देहरादून से रामगढ़ आएंगे। और ये सीतापुर के पास हम लोग हैं, अभी सीतापुर यहाँ से 30-40 किलोमीटर है। छोटे छोटे कस्बे हैं, दुकानें हैं, अभी खुली नहीं है दुकानें। दिवाली से अगले दिन बाद नॉर्मली मार्केट लेट ही खुलते हैं, तो इस टाइम जाम वगैरह भी कुछ नहीं है क्योंकि जाते ही टाइम तो हाँ काफ़ी जाम मिला था, अब सड़क खाली है। थोड़ी जगह में रह गई अभी, जैसे बीच बीच में कई सड़कें बन रही हैं, डाइवर्जन है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। हरियाली बहुत ज़्यादा दिख रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब सफ़र का भी आनंद आ रहा है। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बरेली के पास। बरेली यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर होगा, तो हम लोगों ने सोचा कुछ अच्छा सा रेस्टोरेंट ढाबा दिखाई दे रहा है तो कुछ आराम किया जाए, चाय पिया जाए। कुछ कहोगी भाई? तो जो 2-3 रेस्टोरेंट है जहाँ हम रुकते हैं हमेशा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुली जगह है, पार्किंग। हाँ, बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है। और जब आप लखनऊ से आ रहे हैं शाहजहाँपुर से बरेली, तो आप लोग रुक सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको ये। दोस्तों ये जो रेस्टोरेंट है बरेली हाईवे किंग नाम से है, और लगभग बरेली से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है, काफी साफ सुथरा सा है। तो हम लोग यहाँ चाय वाय पियेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। वॉशरूम चूंकि यूज करने होते हैं तो रुकना ही पड़ता है रेस्टोरेंट में। हमने चाय और बटर टोस्ट ऑर्डर किए हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बरेली, और बरेली का एरिया है सिविल लाइन कैंट, बहुत ही सुंदर कैंट एरिया, गांधी उद्यान। जब हमारी बेटी यहाँ थी तो मैं काफी यहाँ टहलने जाता था अंदर, यही कॉलोनी है बराबर में। हम लोगों ने 3 साल यहाँ खूब हमारा आना जाना रहा है इस एरिया में। तो दिवाली से पहले मिले थे जाके, अब देहरादून वापसी हो रही है, आज उससे मिल गए, तब कल सुबह हम लोग देहरादून। दोस्तों ये बरेली का बहुत ही एक पॉश एरिया है, यहाँ का बहुत ही शोरूम है, यहाँ ऑफिसेज हैं काफ़ी सारे, सिविल लाइन कहलाता है ये। और दोस्तों यहीं गांधी उद्यान है, ठीक उसके सामने रोड जा रही है और स्टेडियम की तरफ, इसके बाईं तरफ ही रामपुर गार्डन कॉलोनी है जो बरेली की एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी है, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं उसमें। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं महानगर कॉलोनी में, ये भी बरेली की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। इसी में हमारी बेटी चारू के इलाज रहते हैं, हम लोग उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा इस कॉलोनी में हम बहुत साल से आते हैं, हमारे एक पुराने जानने वाले भी यहाँ रहते हैं, बिल्डर ने बहुत अच्छी कॉलोनी बनाई है, रोड्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, खुला खुला है, प्लांट बहुत लगे हैं, अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इन्होंने बना रखा है। तो दोस्तों अब हम बरेली से निकल चुके हैं, और इधर सामने ये बाईपास है, बड़ा बाईपास बोलते हैं इसको, रामपुर मुरादाबाद होते हुए दिल्ली जाता है, और मुरादाबाद से हम रामपुर देहरादून के लिए निकल जाएंगे। तो यहीं झुमका चौक भी बना है, बहुत ही शानदार है, काफ़ी काम हुआ है उधर, अच्छा लगता है देखने में। और कुछ बोलो भाई चारों की मम्मी? तो जैसा कि पहले बताया था, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, और ये इस टाइम भी ट्रैफिक बहुत कम है सुबह सुबह, और हम लोग देहरादून के लिए निकल चुके हैं, चाय पियेंगे रास्ते में, कहीं रास्ते में रुकेंगे, 2 जगह भी तो रुकना है, तब जाके पहुंचेंगे देहरादून के। लगभग 6.5-7 घंटे लग जाते हैं रुकने में, बट यदि मॉर्निंग में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएँ तो फिर 5-5.5 घंटे में भी देहरादून पहुंच जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।
दोस्तों अब हम आ गए हैं चंडी मंदिर के पास हरिद्वार में, और आज काफी जाम लगा, बहुत लोग आए हैं मंदिर की तरफ, काफी लंबा जाम है। और अब हम लोग हरिद्वार से निकल रहे हैं। देखिए मेरे सामने हर की पैड़ी आपको दिखाई दे रही है, हमेशा यहाँ भीड़ रहती है, दुनिया भर से लोग आते हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से। गंगा जी की निर्मल धारा आप देख रहे हैं, बहुत ही स्वच्छ निर्मल, पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर हरिद्वार, सामने हर की पैड़ी, हमेशा यहाँ बहुत लोग आते हैं। और अब केबल सेतु आने वाला है यहाँ, और इसके बराबर में ही शिव जी का बहुत बड़ा स्टैचू बना है, शायद विवेकानंद पार्क नाम है उस जगह का। और आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है, हम लोगों ने कई बार यहाँ वीडियो बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ। आज तो चूँकि हम लोग देहरादून निकल रहे हैं सीधे, कभी आके यहाँ फुर्सत में रुकेंगे पार्क में, आपको पूरा वीडियो बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून। ये जो सामने आप मेरे देख रहे हैं क्रॉस रोड मॉल है, काफी पुराना मॉल हो गया, इसमें काफी शोरूम है तो छोटा मॉल, लेकिन काफी चीजें हैं वहाँ, काफी ऑप्शंस हैं, काफी शोरूम है, 3-4 रेस्टोरेंट भी हैं वहाँ। और हम लोग आ गए हैं राजपुर रोड की ओर, टर्न ले रहे हैं। राजपुर रोड काफी चौड़ा हो गया है, स्मार्ट सिटी में काफी काम हुए हैं, लेकिन चूंकि भीड़भाड़ बहुत रहती है। और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं दिलाराम चौक, यहाँ से एक रास्ता सीएम हाउस, सर्किट हाउस, गवर्नर हाउस और गड़ी कैंट को जाता है बाई तरफ, और सीधे आप चले जाएंगे मसूरी। तो ये भी काफी व्यस्त चौराहा है यहाँ, रेड लाइट आ रही है, शाम और सुबह तो यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ट्रैफिक चलता रहता है, बहुत ज्यादा जाम नहीं लगता है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं आज देहरादून, कुछ बोलेंगे चार की मम्मी? काफी लंबा सफर रहा हमारा ये वाला, और बस घूमते फिरते दिवाली मना के हम लोग घर आ गए हैं। तो हम लोग चले थे रामगढ़ से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में दिवाली परिवार के साथ, बेटी है बरेली में उससे मिले, फिर मुरादाबाद होते हुए इस बार हम इधर से आए हैं। काफ़ी टाइम लगा, वैसे तो हम लोग सुबह ही निकलते हैं चूँकि लंबा ट्रैवल करते हैं, लेकिन आज चूँकि हम लेट निकले थे तो लेट पहुँचे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ बोलेंगे? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घूमते रहें हमारी तरह।